कौन बोला हमसे ना हो पाएगा, कौन बोला? सड़क की सुरक्षा की, जीवन की रक्षा की, हेलमेट की, सीट बेल्ट की नियम अगर अपनाएगा, जीवन खुशहाल बन जाएगा। बात मेरी मान, सुरक्षा को जान, सुरक्षा को जान, तू बात मेरी मान, नहीं तो तेरा टाइम आएगा। ट्रेन बुलेट सी बाइक चलाएगा, नशे में तू गाड़ी उड़ाएगा, तो तेरा टाइम आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से अपील है, सदैव यातायात नियमों का पालन करें, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, अपने देश को खुशहाल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉल पट्टी और मैं आपके साथ सागर चौधरी। एक अनोखा वाक्या जो दिल्ली से आया है, जहां के ट्रैफिक पुलिस वाले का एक अनोखा वाक्या जो कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर हो रहा है। लिखा जा रहा है कि अपना टाइम आएगा कि तर्ज पर पुलिसकर्मी ने रेप सॉन्ग बनाया, 700 हेलमेट खरीद कर बांटे, सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने वाले दिल्ली के एक ट्रैफिक पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी संदीप शाही रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय के रेप सॉन्ग अपना टाइम आएगा के तर्ज पर युवाओं को ट्रैफिक नियमों के हिसाब से चलने की सीख देते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, वे ड्यूटी के दौरान बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को शीशे में उनका चेहरा भी दिखाते हैं। अपनी जेब से 700 हेलमेट खरीद कर लोगों को बांट चुके हैं। शाही के रेप सॉन्ग में ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सराहा जा रहा है। उन्होंने खुद ये रेप सॉन्ग तैयार किया है जिसमें ये कहते हैं कि हमसे न हो पाएगा, कौन बोला, सड़क सुरक्षा की, जीवन की रक्षा की, हेलमेट की, सीट बेल्ट के नियम अगर अपनाएगा जीवन खुशहाल बन जाएगा, बात मेरी मान, सुरक्षा की जान, तेरा टाइम आएगा, जय हिंद जय भारत। ये कहते हुए नजर आते हैं दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल, जिनका वीडियो आजकल ट्रैफिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ट्रैफिक नियमों का हवाला देते हुए, ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए हर किसी मोटर बाइक सवार को, या कहें कि जिनके पास हेलमेट नहीं होता उनको जानकारी देते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही हमारे देश को आगे बढ़कर, आगे हाथ में लेने वाले, आगे बढ़कर आने वाले लोगों की ज़रूरत है जो ये सराहनीय काम करते हैं। इन्होंने ये काम हादसे में पत्नी की मौत के बाद ये सॉन्ग तैयार किया गया है। शाही कुछ साल पहले सड़क हादसे में पत्नी को खो चुके हैं। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी से कहा कि मुझे अपने रेप सॉन्ग के वायरल होने के बारे में पता चला है, लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति काफ़ी लापरवाही दिखाते हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि उन्हें नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक करूं। पत्नी की मौत के बाद काफ़ी दुखी था, इसलिए युवाओं के लिए रेप सॉन्ग तैयार